बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का एग्जाम कैंसिल हो गया है, या फिर इसका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है तो क्या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा इसका एग्जाम, हम इसके बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं आपको। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के एग्जाम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं, इसमें तीन एग्जाम है, प्रेजेंट में तीन एग्जाम है बीएसएफ का। आइए हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि बीएसएफ एससीएम का एग्जाम कब होगा एग्जैक्ट, एकदम प्रूफ के साथ। फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अभी तीन एग्जाम है बीएसएफ का। पहला है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, दूसरा है बीएसएफ ट्रेड्समैन 1284 जो पोस्ट अभी चल रहा है, फिजिकल स्टार्ट हो गया है, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल बीएसएफ का आरओआरएम का ये भी है। तीन एग्जाम है बीएसएफ का। तो देखो, इसमें प्राथमिकता पहले तो दी जाएगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को जो 2022 का अटका हुआ है। ओके फ्रेंड, इसका एग्जाम कब होगा हम बात करेंगे आगे। पहले बात कर ले बीएसएफ ट्रेड्समैन 1284 पोस्ट के लिए, तो फ्रेंड्स इसका पहले नोटिफिकेशन में लिखा था साफ साफ इसका पहले रिटेन होगा, बट इसको रिटेन को बदल करके इसका पहले पीईटी कर दिया गया, फिजिकल होगा, वो भी कब, 22 मई से स्टार्ट है। ओके फ्रेंड्स, और कब तक जाएगा ये, फर्स्ट वीक ऑफ आपका जुलाई जाएगा। ये बीएसएफ ट्रेडमैन की बात कर रहा हूं मैं, बीएसएफ ट्रेडमैन ये जुलाई तक जाएगा। तो जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जाएगा फ्रेंड, तो जुलाई में इसका मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होगा, जुलाई तक बीएसएफ वाले सब बीजी हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बीएसएफ आरओआरएम, इसका लास्ट डेट था आपका 12 मई। ओके, बट अभी इसको बदल करके 21 मई कर दिया गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो नोटिस में 21 मई कर दिया गया है, 12 मई लास्ट डेट था इसका, 21 मई कर दिया गया है आपका बढ़ा करके। और नोटिफिकेशन में लिखा था पहले 4 जून को इसका एग्जाम होगा बीएसएफ आरओआरएम का, बट इम्पॉसिबल है। आप देख लो 21 21 9 30, मतलब 10 दिन ये हो गया, 31 का महीना है, 10 प्लस 4 14 दिन में कोई एग्जाम भाई, 14 डे में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता कोई भी एजेंसी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। ओके, तो ये भी इसका मतलब बीएसएफ आरओआरएम का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो क्या बीएसएफ आरओआरएम का एग्जाम नहीं होगा तो क्या फिजिकल होगा पहले? यस, 99% फिक्स है कि इसका फिजिकल पहले लिया जाएगा। आप तो टेंशन ना लो, आप बोलो कि सर बीएसएफ हेड कांस्टेबल के बारे में बताओ, बताने वाला हूँ, प्रूफ है भाई, पहले इसके बारे में तो जान लो। 99% समझ लो आपका, इसका एग्जाम पहले नहीं होगा, इसका भी फिजिकल होगा। कब होगा उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे। एग्जाम वाले टेंशन मुक्त हो जाओ, एग्जाम नहीं होने वाला। ओके, 1% भाई कुछ भी कर सकते हो, अलग बात है। बीएसएफ ट्रेड में पहले एग्जाम होने वाला था, फिजिकल हो गया, क्योंकि बच्चे छाटना रहता है ना, इसमें बच्चों को लोग छाटेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका हम बात कर लें, इसमें देखो इसका पहले था अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, जो अभी टल चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं, जब ये बीएसएफ ट्रेडमैन जुलाई तक जा रहा है फिजिकल, तो जुलाई तक इन लोग सोच भी नहीं सकते। ओके, जुलाई जैसे फिजिकल कंप्लीट होगा तो रिटेन चालू होगा। ओके, तो रिटेन किसका चालू होगा? पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का होगा। क्यों? क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी है और पहले प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा। तो ये कब जाएगा? ये आपका जाएगा अगस्त में। ओके फ्रेंड्स, ये आपका अगस्त में जाएगा, ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर अगस्त में। अब अगस्त में कब डेट है, फिक्स डेट तो नहीं पता, अगस्त में जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त हो सकता है, ये आपको मालूम चलेगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में। ओके, एग्जाम आपका अगस्त के पहले श्योर नहीं होगा, ये भी मैं बोल देता हूँ 99%, 1% गारंटी भाई किसी का नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल रहूँ ही ना, तो 1% उसमें आता है, पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो 99% भाई जो रियलिटी है बताने वाले, क्योंकि मैं भी खुद पास हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 का, फिजिकल क्वालिफाई हूँ मैं फ्रेंड्स, मेरा भी एग्जाम है, मैं मानी नहीं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, इसलिए आपको कुछ नॉलेज कुछ दे दूँ। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम मोड के बारे में, इसका मोड क्या ऑनलाइन होगा ओके कि ऑफलाइन होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम बता दें, ये फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इनके पास अभी एजेंसियां ही नहीं हैं, एजेंसियां होती तो बीएसएफ ट्रेडमैन का पहले रिटेन हो जाता, जो भी फिजिकल करा रहे बच्चे फेल कर देंगे, फिजिकल में अच्छा खासा कम बच्चे हो जाएंगे तो रिटेन कराएंगे, क्योंकि रिटेन कराने में बहुत ज़्यादा इन लोग को स्कूल वगैरह परचेस करना पड़ेगा, तो एजेंसियां थोड़ा
पैसा ज्यादा ले लेंगी ना, अगर ज्यादा स्टूडेंट नंबर आप स्टूडेंट रहेंगे। फिजिकल में क्या है, कहीं भी एक सेंटर बुला लें, अच्छा खासा बच्चे को फेल कर दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने ही सेंटर पर बुलाएंगे बीएसएफ वाले। ओके, तो रीजन इसमें फिक्स नहीं है, ऑनलाइन के ऑफलाइन जो वो हो 50-50 का चांस है, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, तो डजंट मैटर चाहे जो भी हो, लेकिन हम आपको बता दें 50-50 का चांस है कि मैक्सिमम चांस हम देंगे ऑनलाइन, क्योंकि कितना लेट हो रहा है ना, तो ऑनलाइन ही होगा बीएसएफ हेड कास्टम नेट 2022 का एग्जाम ऑनलाइन ही होगा लेट की वजह से। ये भी एक निकल के आता है, मतलब एक प्रकार मान लो भूमिका आई है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको क्या लगता है एग्जाम कब होने वाला, अगर आपका भी देखो आप भी एक व्यूअर्स हो हमारे, सब्सक्राइबर हो, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको भी बहुत कुछ मालूम है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताया करो उसका एग्जाम कब होने वाला है। आपको जो भी जैसा भी लगता है फ्रेंड 100% आप इसको कमेंट करके बता सकते हो। अगर मैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लोगों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर ठोकना।